hello everyone this is priya Das. welcome to my channel and welcome to the second video of cma 2024 where we will be discussing the innovation entrepreneurship part 2

प्रोवाइड कराया जाता है या बंदे उसे एक्चुअली यू नो केसेस को खरीदते हैं पैसे पे करके तो ये जो कंटेंट है वो इजीली अवेलेबल तो है नहीं किसी के लिए भी तो आपको जो ये इतना स्पेशल कंटेंट प्रयाशा दास प्रोवाइड करवा रही है उसके बदले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वो है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड इफ यू हैव इंट लाइक दीडियो प्लीज लाइक कर दो यार एंड शेयर इट विद मोर एंड मोर पीपल क्योंकि आप शेयर नहीं करोगे तो कौन करेगा

फॉरवर्ड फ्रॉम इनोवेशन सेक्टर जो की आपसे पूछ रहा है थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं समझते हैं कि इसमें आंसर पॉसिबली हो क्या सकता है हम ट्रांसफर प्रोसेस की बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स माई आंसर वुड बी फोकसिंग ऑन द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ओके वाई बिकॉज यहाँ पर हम मार्केट स्ट्रेटेजी रिसर्च में आ गए हैं सिर्फ ट्रांसफर की बात करें तो ये काफी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे लिए सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जो भी सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन होती है टेक्नोलॉजी सप्लाई करने वाली जैसे कि आप कह सकते हो कि एप्पल माइक्रोसॉफ्ट ये सब टेक्नोलॉजी सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन है इनका प्राइमरी रोल होता है टेक्नोलॉजी डेवलप करना सो दिस इज वॉट द फर्स्ट क्वेश्चन मेन सेकेंड क्वेश्चन विच टर्म Best describes the process of adding new technologies to improve the products, services, and processes. The word here to focus on is improve, guys. So, what are we doing when we are improving? We are actually calling it as technology infusion. Technology infusion mein kya hota hai? basically it refers to the process of integrating the new technologies in their existing products and services. इन्हांस कर पाएंगे वो अपनी एफिशिएंसी को क्वालिटी को और फंक्शनैलिटी को लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटेटर। द वर्ड टू फोकस योर इज फैसिलिटेटर ऑर्गेनाइजेशंस इन इनोवेशन इकोसिस्टम वो नए टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं अनेबल एंड सपोर्ट करते हैं या मार्केट करते हैं ऑफ कोर्स द द वर्ड फैसिलिटेटर मोर लेस सपोर्टिंग सो ऑप्शन सी बिकम्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वेयर जॉब ऑफ दिस पर्सन द फैसिलिटेटर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्ले अ क्रूशल रोल इन सपोर्टिंग द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द सप्लायर एंड टू द रिसीवर एंड चाहे वो कम्युनिकेशन हो निगोसिएशन हो एग्रीमेंट हो बिटवीन द पार्टीज सब कुछ में ये फेसिलिटेटर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं बोला जाए इन ट्रांसफर तो वो आप कैसे करोगे वेल द करेक्ट आंसर टू दिस इज बाय मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द प्रोसेस सो आई एम जस्ट रिलेटिंग इट विद की वर्ड मैनेजमेंट मैनेजमेंट रेफर्स प्राइमरली टू मॉनिटरिंग एज वेल एज ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन इजेशन एक्स द ब्रिज बिटवीन टेक्नोलॉजी सप्लायर्स एंड रिसीवर्स इन दॉजी ट्रांसफर प्रोसेस वेल अभी तक आपने खुद से नहीं समझा तो मैं समझा दूसरे को देखने का तरीका थोड़ा अलग है इनकेस यू आर ट्राइंग टू सी द्वेश्चन जस्ट पॉज दीडियो थिंक ऑन योर ओन अपना खुद का आंसर बना ले और हो सके तो मुझे चैट में भी बता दे आई मीन कॉमेंट सेक्शन में बता दे एंड फिर उसके बाद चेक करें कि मेरा आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है राइट प्रोसेस ऑफ वॉचिंग दिसके

ब्रिज है ना तो ब्रिज और ब्रोकर का बेस्ट मैच बनेगा ना व्हाट इज दिस ट्रांसफर ब्रोकर ऑर्गेनाइजेशन ऑल टुगेदर दीज आर इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द टेक्नोलॉजी सप्लायर्स जैसे कि यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए एंड द रिसीवर्स विच आर द कंपनीज आपको पता है ना कंपनीज ऐसे हैकेथन वगैरह करवाते हैं इसीलिए करवाते हैं क्योंकि वहां से उन्हें सप्लाई मिलती है किस चीज की इनोवेशन की दे फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज रिसोर्सेज एंड एग्रीमेंट्स मैं ब्रोकर की बात कर रही हूँ So that there is innovation successfully being transferred, okay, and implemented.

कि जनरल बिहेवियर को सोचो तो किस चीज के पीछे वो पागल होता है वो पावर के पीछे पागल होता है वरना वो अपनी सेम स्ट्रेटजीस किसी और कंपनी को नहीं दे देता उसे पावर चाहिए उसे खुद की अपनी कंपनी चाहिए इसलिए नीड फॉर पावर इज हाई नीड फॉर अचीवमेंट इज लो एंड एफिलिएशन इज लो उन्हें सक्सेस के लिए मतलब फेलियर से डर नहीं लगता सक्सेस के लिए वो 100 बार फेल करने के लिए रेडी है इसलिए उनका नो हाई नीड ऑफ अचीवमेंट नहीं होता है वहीं एफिलियशन होता है कि उन्हें पेरेंटल या गाइडेंस सपोर्ट की जरूरत नहीं होती वो खुद रिस्क टेकर्स होते हैं तो दैट्स वाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी जिनको नहीं पता था वो नोट कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ कमिंग डाउन टू नंबर सेवन What factors contribute to the entrepreneurship development according to the sociological traits concept? Now, what is sociological trait concept? ma'am, what is this? So I will say, okay, let's act smart. Ki class karne wale log smart hote sociological is definitely not related to technology, economics, or any kind of individual psychological trait sociological very much very well matches with the terms cultural and religious customs so yira hamira answer and what is the real meaningful answer of it sociological traits play a very significant role in entrepreneurship development by influencing the individual's aspirations

इकोनॉमिक को इकोनॉमिक से जोड़ दो बाय शेपिंग पॉलिसीज आप डेवलपमेंट कर सकते हो नाइन्थ क्वेश्चन वो मुझे ऑप्शन जरूर चैट बॉक्स में बताओ ना क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन इज ब्रेकिंग आउट द बेस्ट वेन आई टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एंटरप्राइज टू अंडरटेक न्यू प्रोडक्शन प्रोसेसिस है ऑन्टरप्रिनशिप का काम इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में समझे फॉर बीन रेडी टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन इन जी डी पी आई ऑल्सो सो दिस डेफिनेशन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हाउ you include the activities like seeking investment opportunities raising capital hiring labor introducing new techniques ye sab kuch entrepreneurship ke under aata hai isliye this option is the best answer let's go to the 10th question everyone what is the relationship between entrepreneurs and entrepreneurship development तो सोच के देखो ऑन्टरप्रिनोर entrepreneur और ऑन्टरप्रिनोरशिप डेवलपमेंट क्यों ही चाहिए होगा क्या ही रिलेट करेगा आप ऑंटरप्रिनोरशिप डेवलपमेंट करते हो तो आप कुछ डेवलप करते हो यानी बनाते हो बनाते जन्म देते हो तो बर्थ है ना एकदम वे टू रिमेम्बर देखो मेरा पर्पस आपको अच्छे से समझाना है चाहे उसके लिए मुझे डैड जोक्स क्यों ना क्रैक करने पड़े नंबर इलेवन क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन व्हाट डिस्टिंग्विशेस पुश मार्केटिंग फ्रॉम पुल मार्केटिंग इनोवेशन का सेक्टर का क्वेश्चन है गाइस पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए समझिए और मुझे कमेंट्स में बताइए वेल well, अभी मैं आपको आंसर बता देती हूं थिंकिंग दैट आपने ट्राई मारा होगा

ये चीज की बहुत जरूरत होती है दिस इज पुल मार्केटिंग ओके नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इस पे और भी क्वेश्चन और पुल मार्केटिंग बड़े प्यार से समझाऊंगी थोड़ा आगे पेशेंस नंबर ट्वेल्व विच मार्केटिंग अप्रोच इज रेकमेंडेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन सस्टेन रेवेन्यू ग्रोथ तो हर सीमेंट के हर बेसिक इनोवेशन एंटरप्रीनोरशिप क्वेश्चन की तरह जब आपको एक डिप्लोमेटिक आंसर देने की जरूरत पड़े तो रेवेन्यू ग्रोथ के लिए सिर्फ एक चीज की भला कभी जरूरत पड़ सकती है क्या बिल्कुल नहीं आपको बोथ पुल एंड पुश मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी नंबर थर्टीन व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्नोलॉजी पुश इनोवेशन तो पहले हम समझेंगे कि पुश इनोवेशन क्या है और फिर टेक्नोलॉजी पुश इनोवेशन क्या है वैसे अभी तक जितना बताया है उसके बेसिस पर अगर आप एक गेस ले सकते हो तो प्लीज करो और मुझे कमेंट करके बताओ एंड नंबर थर्टीन का मैं आपको आंसर बताती हूँ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी विच इज इट फोकसेज ऑन यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स तो इनोवेशन इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड पुश टेक्नोलॉजी पुश मीन्स एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज पे काम करना टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है अब इसका मतलब क्या है ये थोड़ा ध्यान से सुन लें तो टेक्नोलॉजी पास ये प्रोडक्ट है या मैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं तो मैं इसी का यूज करके कुछ नया करूंगा इट इन्वॉल्व पुशिंग द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दी एवेलेबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रैदर देन ट्राइंग टू फिगर आउट की मार्केट डिमांड क्या है या कस्टमर

ब्रिज करने के लिए मैं क्या इनोवेशन करूं क्या डेवलपमेंट करूं अपने बिजनेस में सो दैट आई गेट टू रीच माय डिजायर्ड स्टेट इज इनोवेशन एंड ऑन्टरप्रनोरशिप गाइज ओके द सोर्स द सोर्स पे बात करते हैं द अनएक्सपेक्टेड सोर्स दिस इज वेर यू रिकोगनाइज द डिफरेंट पैटर्न इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड वे जैसे आपको उम्मीद ही नहीं थी कि यहां से मिलेगा बट यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रही है दैट इज दी अनएक्सपेक्टेड सोर्स ओके एंड दैट इज द मोस्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोवेशन बाई द वे आप ऐसे किसी एक जगह जाकर इनोवेशन का सोर्स नहीं खोज सकते

एक ही चीज है घुमा फिरा के दे दिया और लोगों को कंफ्यूज करने में मैं सक्सेसफुल हो गई कॉन्ग्रेचुलेन्स टू मी एंड कॉन्ग्रेचुलेन्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इतने कम टाइम में इतने धासू मस्त फैंटेस्टिक क्वेश्चन कर लिए इनोवेशन ऑन्टरप्रीनरशिप पे एक बार फिर से आप लोग को याद दिला दू की अगर अभी तक